नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। एक्टर अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से लाल चौक का एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मेरा देश बदल नहीं रहा। लेकिन आखिर अनुपम खेर ने ऐसा क्यों लिखा, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे हुए 3 साल हो गए हैं। इस मौके पर कोई अनुच्छेद 370 हटने के बाद की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो कोई जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों के बारे में बात कर रहा है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर श्रीनगर के लाल चौक का नजारा दिखाने वाला वीडियो शेयर कर सबको हैरान कर दिया। अनुपम खेर की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी पर बैठे और उन लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। लोगों को भारत माता की जय का नारा लगाते हुए भी सुना जा सकता है। बता दें कि अनुपम खेर ने वीडियो को शेयर कर लोगों को अनुच्छेद 370 हटने के बाद का नजारा दिखाने की कोशिश की। इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा कि दोस्तों, ये नजारा कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक का है, आज का है। देश बदल नहीं रहा, देश बदल गया है, जय हो। बता दें कि आज से 3 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। इसी लाल चौक पर कभी पाकिस्तान का झंडा दिखाई देता था। घंटा घर का ऐतिहासिक महत्व जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थान पर साल 1948 में राष्ट्र ध्वज फहराया था। यह जगह जम्मू कश्मीर के मुखिया सदरे रियायत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझौते का भी गवाह रहा है। आपको बता दें कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए निकले थे, लेकिन उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जब 1989 में कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो इस जगह पर अलग अलग घटनाएं हुई। अलगाववादियों के लाल चौक मार्च के आह्वान पर प्रशासन इसे सील कर देता था। 2018 में अमरनाथ भूमि विवाद में बड़ी संख्या में लोग घंटा घर पर एकत्रित हो गए थे। उन्हें अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने संबोधित किया था। कभी जहां आतंकियों का वर्चस्व दिखाई देता था, उनके डर से लोग तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज उस लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ये मोदी सरकार के 370 हटाने का ही नतीजा है कि लाल चौक पर तिरंगा देखने को मिल रहा है, जो बदलते भारत की दास्तां बयां कर रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।